हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। एंड आज की जो वीडियो है वो होने वाली है वीडियो कॉलिंग पे। सो चलो आपको दिखाती हूँ आज कुल्लू का व्यू और हमारे घर का व्यू, क्योंकि सिस्टर की कॉल आई थी और वो जो है अपने खेत दिखाने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि हम उन्होंने क्या क्या बीजा था खेत में। तो चलो आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइस, मुझे आया था मेरी सिस्टर कज़न सिस्टर का फ़ोन, जो मेरी बुआ की बेटी है बीचले वाली। तीन बेटियां हैं मेरी बुआ की, ये है सेकंड नंबर वाली। तो इसका मुझे कॉल आया था और बहुत टाइम हो गया था, हमने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी। बहुत टाइम लॉकडाउन के चलते हम मिले भी नहीं थे, तो काफ़ी टाइम हो गया था हमने बात किए हुए। तो आज इसने वीडियो कॉल की थी और मैं इसको अपना घर दिखा रही हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे हमारी हो रही थी पुरानी पुरानी बातें और इसका नाम है काजल। तो काजल भी हो रही थी कि मुझे दी अपना घर दिखाओ, क्योंकि अभी तक मेरे घर में एक बार भी नहीं आई है। हालांकि मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, मैंने भी लव मैरिज की हुई है, जिसकी वजह से घर वाले ना, मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं हुई है जिससे मतलब घर वाले हमारे मिल सके। सो ये तो मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं आई है। तो अभी मैं इसको अपना घर दिखा रही थी, बोल रही थी कि मनु तो वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गई है, सो हमने तेरा नया घर नहीं देखा है, तो प्लीज़ मुझे अपना घर दिखा दे। तो मैं उसको बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ दिखाना। सो ये था हमारा फ्रंट, जो आपको छोटी सी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने जब की तब वॉइस नहीं आए, वरना आपको वॉइस सुन के तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसका। मैंने सोचा था कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लूँगी और वॉइस आ जाएगी मतलब इसमें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मज़ाक किया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सो यहाँ पे मैं इसको अपना घर दिखा रही थी और क्या कर रहे थे हम यहाँ पर, हाँ मैं इसको अपना मतलब सारी ही रूम दिखा रही थी खोल खोल के, पर ये बार बार बोले जा रही थी कि दीदी ये दिखाओ ये दिखाओ कि यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या है। तो मैंने कहा है इसको कि जब तू आएगी तब खुद से दिखा दूँगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी मतलब चल रही थी जिसकी वजह से मतलब नहीं आया जा रहा था सबसे। सो जब ये मेरे घर आई थी तब हम पुराने घर में थे, अभी नए घर में शिफ्ट नहीं हुए थे। मेरे आरुष के टाइम जब उसको मेरा आरुष हुआ था, 13 दिन हुए थे तब ये आए थे सभी जन। तो तब तक हम पुराने ही घर में थे, नए घर में हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, साल हुई है हमें नए घर में शिफ्ट हुए हुए। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी देख के, और मैं इसको रूम की हर एक चीज़ दिखा रही थी जैसे ये सामने हो, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम बाद इसने कॉल की और क्या ही बताऊँ मैं, और मैंने इस पल को ना कैप्चर कर लिया और मैंने सोचा कि याद करके रखते हैं, कभी ये आएगी तो मैं इसको दिखाऊंगी ज़रूर कि मैं तूने जब कॉल की थी तो मैंने ब्लॉग बना लिया था। सो ये देखिए मैं इसको दिखा रही थी, लेकिन अभी जो है मैं इसको दिखा रही हूँ, बाद में ये दिखाएगी कि ये कहाँ पे है और क्या कर रही है। सो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बातें हम बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बुआ मामू जी ये सब साथ में ही थे और हम यहाँ पे बातें कर रहे थे बहुत ज़्यादा डीपली डीपली, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें हम याद कर रहे थे। और अभी जो है ये मुझे अपने खेत दिखाएगी, सो अभी चलो दिखाती हूँ आपको कि इसने मुझे क्या क्या दिखाया अभी खेतों में। सो ये देखो, ये दिखा रही थी मुझे टमाटर के खेत, जहाँ पे टमाटर की फसल इनकी बहुत अच्छी हुई है, साथ में वहाँ तक दिखा रही थी कि वहाँ तक जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक खेत है हमारा। सो यहाँ पे इसने मकई की खेती की हुई है, टमाटर की खेती की हुई है, और ये खुद से बता रही थी लेकिन वॉइस नहीं आई है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। सो वही चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी लगी मुझे कि वॉइस नहीं आई स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे ये दिखा रही थी मुझे अपने खेत, जहाँ पे इन्होंने मिर्च की भी खेती की हुई है साथ में। तो यहाँ पे इन्होंने मिर्च बीजी हुई है, बोल रही है कि मिर्च हमारे इस बार बहुत अच्छी हुई है। तो मैंने इसको कहा कि हमारी भी मिर्च बहुत अच्छी हुई थी पिछली बार, लेकिन इस बार इससे भी बेटर लगी हुई है। तो ये दिखा रही थी, अभी कॉम्पिटिशन चला हुआ था कि किसकी बेटर है। सो अभी मैंने इसको बताया कि स्क्रीन जो है थोड़ी सी मतलब सीधी आ रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने बताया कि इस तरह से पकड़ फ़ोन और इस तरह से मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे। सो ये देखिए अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे अनार का ये पौधा है, सो यहाँ पे अनार में फूल भी लग गए हैं इनके, हमारे यहाँ पे अनार पे फूल नहीं लगे अभी। और ये है पलम का, तो यहाँ पर सारे में इसने जो है
मिर्च की खेती की है ऐसा ये बता रही थी। और यहाँ पे साथ में है मूली, सो ये है मूली। तो यहाँ पे ना पलम भी दिखाएगी, तो मैं आपको पलम भी दिखाती हूँ कि पलम कैसे लगे होते हैं पेड़ पे। सो ये जितने भी यहाँ पे तक दिखा रही है आपको मूली ही है ये सारी की सारी। तो ये ना खुद से अच्छे से बता रही थी लेकिन क्या करें नहीं आ रहा था। तो ये देखो कितने ज़्यादा पलम लगे हुए हैं और पक रहे हैं, बिल्कुल लाल लाल हो रखे हैं। मेरा तो ना देख के ही मन मतलब मचला जा रहा था कि मैं कब निकालूं कब खाऊं। हम जब घर में होते थे ना मतलब मेरी मायके में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो ये देखिए कितने प्यारे लगे हुए हैं और कितने ज़्यादा लगे हुए हैं, मतलब मज़ा ही आ जाता है, देख के ही मज़ा आ गया था। तो खाने से तो मैं क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे देखिए ये है, हाँ वही चीज़ है मूली। तो इसने मेरे को पलम दिखा के ना बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सा कर दिया था। पलम तो मैंने भी लिए हुए हैं बाज़ार से लेकिन उनमें टेस्ट कहाँ इतना जो पेड़ में तोड़ने से आता है, मतलब तोड़ के खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम बचपन में बहुत ज़्यादा पलम खाते थे, पेड़ पे चढ़ के ही पलम खाते थे हम। तो यहाँ पे लगाए हुए इन्होंने चुकंदर, चुकंदर इन्होंने बीच बीच में लगाए हैं धनिए के बीच में, और धनिया भी बीजा हुआ है इन्होंने। बहुत सारी चीज़ें बीजी हुई हैं, साग है, चुकंदर है, ये देखो धनिए के बीच बीच में इन्होंने चुकंदर की भी खेती की हुई है, और साथ में है पलम के पेड़। और वाह मज़ा ही आ गया था देख के भी। और ये दिखा रही थी देखो कि कैसी खेती हुई है इस बार, कहीं कहीं जो है धनिया लगा हुआ है, कहीं कहीं नहीं लगा हुआ है। और चुकंदर भी बता रही थी कि चुकंदर भी है यहाँ पे बहुत सारे। तो मैंने इसको कहा कि मुझे चुकंदर भेज दे, और खीरे भी लगाए हुए हैं इन्होंने साइड में, मतलब सारी ही चीज़ें इन्होंने मिक्सअप करके लगाई हुई है। तो मैंने इसको कहा कि मुझे चुकंदर भेज दे, बोलती है कि आ जाओ। तो मैं जाऊँ कैसे, लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन में बाहर जाना मतलब रिस्की, बहुत ज़्यादा रिस्की, और इतनी ज़्यादा बीमारी में तो फिर क्या ही बताऊँ। तो ये देखो इन्होंने इन्होंने जो है जो धनिया भेजा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे हुआ है। और जहाँ पे ये देखो ये भी धनिया ही है, लेकिन बोल रही थी कि धनिया कम और घास ज़्यादा भेजा है मतलब लगा हुआ है इस बार। सो बारिश की वजह से होता है ये, तो मतलब निंदाई वगैरह करके घास निकालना ही पड़ता है। सो वही चीज़ें ये कर रहे हैं आजकल। और ये अपने पूरे खेत का ब्यौरा करवा रही थी मुझे कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, और रास्ता भी दिखा रही थी कि यहाँ पे ये है। सो इन्होंने ये नया खेत लिया हुआ है जहाँ पे ये खेती कर रहे हैं, ये देखो ये है उनका पूरा खेत जहाँ तक नज़र जाती है। और बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब ना जब मैं कवारी थी तो ये सारी छोटी छोटियाँ थी ना, तो बहुत ही अजीब सा लगता है कि यार मैं तो वहीं थम गई हूँ, मतलब मेरी ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी वहीं पे थम गई है। लेकिन ये जो आगे आगे बढ़ रही हैं, कुछ ना कुछ कर रही हैं ना, उनको देख के बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है कि मेरी बहनें हैं और ऐसा कर रही हैं वैसा कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सो अभी हम बहुत सारी बातें भी कर रहे थे, अभी ये बुआ और को भी दिखाएगी कि बुआ और भी है यहाँ पे। सो मैं दिखाती हूँ आपको, बुआ और वहाँ पे बैठी हुई हैं, तो चलो लेके जा रही है मेरे को। तो ये बोल रही थी कि यहाँ पे जो है हम सब्जी वगैरह के तोड़े वगैरह बनाते हैं, मतलब सब्जी को क्रेट में लगाते हैं यहाँ पे छत पे, छत जैसी डाली है यहाँ के नीचे बैठ के। मतलब किसान देखो कितनी मेहनत करता है तब जाके सब कुछ जो है खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं, अगर किसान मेहनत ना करे तो खाने के लिए क्या ही बचेगा। सो सल्यूट फॉर इंडियन किसान, एंड बहुत ही अच्छा लगता है ये सब देख के। तो यहाँ पे ये ना बहुत सारी चीज़ें दिखा रही थी मुझे, और पर मुझे ना जल्दी जल्दी में कुछ दिख नहीं रहा था अच्छे से, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी। मैंने सोचा मैं देख भी लूँगी और बाद में रिकॉर्डिंग करके जो है ब्लॉग भी अपलोड कर दूँगी। सो ये देखिए, सो ये दिखा रही थी मेरे को फ्रांसबीन, जो बीन्स होती हैं वो लगी हुई हैं बहुत ही अच्छी, और साथ में नाश जापानी का पेड़, जापानी फल जिसका पेड़ है वो, खीरे भी लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगी हुई हैं। और अभी अखरोट का भी दिखाएगी मुझे, देखना आप। और यहाँ पे बैठी हुई हैं बुआ, बुबू जी, और मतलब बुआ और बुआ के हस्बैंड, मामू या बुबू जी बोलते हैं हम यहाँ पे मंडी में। सो और साथ में है पड़ोसी, इनके खेत की पड़ोसी। सो ये भी बैठे हुए हैं, ये चाय लेके आए थे, तो बुआ और बुबू जी पी रहे हैं चाय। सो ये देखो अभी दिखाएगी मुझे बीन्स, ये देखो लगे हुए हैं बहुत सारे बीन्स। एंड अब मुझे लगता है आपको पसंद आ रहा होगा ब्लॉग, ये है अखरोट।
अखरोट का पेड़ भी है ना कुल्लू में, ना कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़, कुछ ना कुछ मिलता ही है खेतों में, चाहे वो खाने की बातें हो, चाहे वो सब्जी की बातें हो, चाहे वो किसी चीज़ की बातें हो। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, तो लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे भी आज एडिटिंग करने में। बहुत टाइम बाद कुल्लू वाला ब्लॉग डाल रही हूँ मैं, सो आपको कैसा लग रहा होगा ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरी सिस्टर, सो चलो फिर यहाँ पे हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। बस देख लिया आपने ब्लॉग, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।